हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का VBI क्वेश्चन, मतलब हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, जो है डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर की बनाने की विधि क्या होती है, इसका गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, मतलब जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है संपूर्ण हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। अदरवाइज आप तो ये बात जानते हैं कि जो भी VBI क्वेश्चन है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उन सभी को हम करा रहे हैं। शाम को अगर आप देखेंगे तो 6:15 पर और 7 बजे, ये दो टाइम पे आपको शाम में वीडियो मिलता है। उस टाइम पे मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कॉपी पेन ले कर बैठिए और सीरियस होकर उस टाइम पे पढ़ाई कर लीजिए, समय बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है डाई एथिल ईथर। अब देखिए, इसकी सबसे पहले आता है बनाने की विधि। इसका सूत्र आप देख रहे हैं ना, क्या लिखा है, C2H5O C2H5। ईथर का सूत्र क्या होता है, ROR, ठीक है। और यहाँ पे दो दो हमने कार्बन, यहाँ पर जहाँ पर भी दो कार्बन हो उसे हम क्या कहेंगे, दो कार्बन हो तो एथिल कहेंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं एथिल दो है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि डाई एथिल और ईथर, ईथर का सूत्र ये होता है ROR, ठीक है। अब आता है कि बनाने की विधि। तो देखिए, एक तो ये है बनाने की विधि जो औद्योगिक विधि है, और एक है प्रयोगशाला विधि। तो देखिए, दोनों ये पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं कि प्रयोगशाला विधि भी पूछा जाता है और जो औद्योगिक विधि भी पूछा जाता है। परंतु 2017 से पहले की यदि हम बात करें, आप देख भी सकते हैं बोर्ड एग्जाम के जो पेपर है उन सभी को निकाल कर अगर आप देखेंगे, तो 2017 से पहले जो भी क्वेश्चन पूछा जाता था डाई एथिल ईथर पर, वो कहा जाता कि था कि प्रयोगशाला विधि द्वारा डाई एथिल ईथर कैसे बनाया जाता है। परंतु 2017 के बाद जब भी पूछा गया है तो प्रयोगशाला विधि पूछा नहीं गया है। आपसे कह देगा कि डाई एथिल ईथर बनाने की विधि लिखिए तथा इसके गुण और उपयोग भी समझाइए, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, औद्योगिक निर्माण की विधि हम सीखेंगे, जिससे हमें ज़्यादा एल्कोहल ज़्यादा क्या हमें प्राप्त हो जाए, एथिल एल्कोहल, मतलब डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमने बनाने की विधि में सबसे पहला हमने यहाँ पे लिया है कि एथिल एल्कोहल से, सबसे पहला हमने किससे सीखेंगे कि एथिल एल्कोहल से हम कैसे डाई एथिल ईथर बना सकते हैं। तो समझिएगा, यहाँ पे जो कमजोर स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं खास कर कहूँगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि रिएक्शन जो है ना वो हम आसान शब्दों में समझाएंगे, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमने लिखा है कि जब एथिल एल्कोहल को, अब एथिल एल्कोहल तो आप जानते ही होंगे, तो जब एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझते हैं यहाँ पर। अब आता है, इसके नीचे आपको रिएक्शन लिखना होगा, ये बात लिखने के बाद आपको नीचे रिएक्शन लिखना होगा। रिएक्शन हम समझाते हैं आपको, जैसे यहाँ पे कहा क्या गया, सबसे पहले कहा गया कि एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5 होता है, यही तो होता है एथिल एल्कोहल का सूत्र, C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल का सूत्र है। अब देखिए, एथिल एल्कोहल के हम दो मात्रा में ले लेते हैं, तो एक हमने एथिल एल्कोहल यहाँ पे ले लिया, एक और हम ले लेते हैं OH C2H5, ये भी एक एथिल एल्कोहल है, ये भी एथिल एल्कोहल है। आप कहेंगे सर दोनों का तो फॉर्मूला अलग अलग है, अरे भैया फॉर्मूला अलग अलग नहीं है, हमने क्या किया है कि इसको थोड़ा सा हम उल्टा लिख दिए हैं, जैसे OH C2H5 हमने लिख दिया है, आप चाहें तो C2H5OH भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमने क्यों लिखा है, अभी आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, आसानी तरीके से आप समझ पाएँ, इसलिए हमने लिखा है। अब देखिए, जब हमने दो मात्रा में हमने क्या लिया है, एथिल एल्कोहल को ले लिया है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे, और कितने डिग्री सेल्सियस पर, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे, और याद रखेंगे किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, कहा जा रहा है ना सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो हम लिख दे रहे हैं सांद्र किसके, H2SO4 की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक H निकलता है और इधर से OH निकलता है, देखिए यहाँ से H, यहाँ पर एक H है, तो H2 हो गया और ये O है, H2O हो गया, मतलब यहाँ से जल जो है वो बाहर निकल जाता है, H2O ये बाहर निकल जाता है,
उसके बाद यहाँ पे क्या बचा C2H5O, फिर से C2H5, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया C2H5O, फिर से C2H5, ये हमें मिल गया। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान से अब देखें तो ये क्या, ये किसका फॉर्मूला है, यही तो है डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला जो कि हमने लिखा है C2H5O C2H5, तो यही तो है। तो हम लिख देंगे क्या, डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो ये नीचे आपको लिखना होगा, अनिवार्य है, और उसके बाद मैं इसको मिटका दूं, या चलिए आपको समझाने के लिए ये आप भी लिख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, कॉपी पे लिखे रहेगा कि कोई रिएक्शन आपको समझ में आए। और ये क्या है, ये है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है। एथिल एल्कोहल की हमने दो मात्रा में लिया हुआ है, पहला रिएक्शन आप समझ गए। तो यही बात कहा गया कि जब एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें एथिल एल्कोहल, मतलब डाई एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। यह आपने समझ लिया। एक और विधि है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम इसको बना सकते हैं, वो क्या है, वो है देखिए, दूसरा हम और एक बता दे रहे हैं, हम ऐसे ही एथिल एल्कोहल को हम ले लेंगे C2H5OH, फिर से हम इसकी दो मात्रा में हम ले लेते हैं एथिल एल्कोहल को, तो यही हमने ले लिया OH C2H5, ये हमने दो मात्रा में एथिल एल्कोहल को ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा बस चेंजिंग है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको गर्म करेंगे, और गर्म हम करेंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए, तो 250 डिग्री सेल्सियस ताप होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी किसकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, Al2O3, ठीक है, Al2O3 की उपस्थिति में जब इसको हम गर्म करते हैं ना एथिल एल्कोहल को, तो फिर से यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से H निकलता है, इधर से OH, तो OH और H निकल कर यहाँ से H2O बना देते हैं, ये बन जाता है H2O, ठीक है। और उसके बाद क्या यहाँ पे बचा, केवल बीच में O बचा है, ठीक है, और यहाँ पे C2H5 C2H5, और बीच में O है, तो ये हम लिख देंगे C2H5O और C2H5, अब बीच में प्लस है तो प्लस हमने दे दिया। बात आप समझ पा रहे हैं, यही क्या है, डाई एथिल ईथर है। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। आप कहेंगे सर थोड़ा सा दूरा दूरा लिखिए ना, ठीक है, थोड़ा सा गैपिंग करके लिखिए, ठीक है। अरे भैया थोड़ा सा आप समझ जाइए, अभी एक और है जो विधि बताना है, मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत उसकी पड़ेगी, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं इधर जगह को बचाए रखा हूँ, ठीक है ना। तो ये बात आप थोड़ा सा समझिए। तो ये तो हमने बता दिया कि जो क्या है एथिल एल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं इसका, ठीक है। अब हमारे पास आता है एक और, हम विधि देख लेते हैं कि एल्किल हैलाइड से, जो एल्किल हैलाइड होता है, मतलब RX, जो एल्किल हैलाइड होता है, इससे हम कैसे हम डाई एथिल ईथर को बना सकते हैं, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। दूसरा एक और हम बता दे रहे हैं, ये हम इस तरीके से नंबरिंग हम डाल दे रहे हैं, ठीक है, रोमन अंक में, ठीक है। तो ये हमने पहला देख लिया, ठीक है, एथिल एल्कोहल का। दूसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरा हम देखेंगे किसके साथ, हम दूसरा देख लेते हैं जो एथिल हैलाइड के साथ, एल्किल अब एल्किल हैलाइड से हम कैसे इसको बनाते हैं, इसको हम सीख लेते हैं। तो एल्किल हैलाइड से हम कैसे इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले हम देखिए, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मैं नहीं लिख रहा हूँ, रिएक्शन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट रिएक्शन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लिखते हैं तो थोड़ा सा टीचर को भी समझ में आता है कि हाँ आपने वास्तव में पढ़ाई किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, रिएक्शन भी लिखेंगे नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये है क्या है, एल्किल हैलाइड। तो हम ले लेते हैं एक एल्किल हैलाइड को, जैसे हम ले लेते हैं C2H5Na को, ठीक है, तो C2H5ONa होगा ना, ये हमने ले लिया एक एल्किल हैलाइड को, ठीक है, C2H5ONa, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, C2H5I से हम क्रिया कराएंगे, मतलब एथिल आयोडाइड से हम क्रिया कराते हैं। ये हमने क्या लिया है, एक क्या है एल्किल हैलाइड है, जिसका नाम क्या है, इसको हम कहेंगे, देखिए हम कहेंगे जो क्या है, मेथ एथ एथिल
सोडियम एथॉक्साइड हम कहेंगे, ठीक है। हाइलाइट को पहले लिखते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड, ये दो कार्बन है तो एथॉक्स, और ऑक्सीजन है तो एथॉक्साइड कहेंगे, ठीक है। तो जब सोडियम एथॉक्साइड को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, एल्किल आयोडाइड के साथ, मतलब एथिल आयोडाइड के साथ हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, थोड़ा सा नाम भी लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड है, सभी को नाम को याद रखना है, एथॉक्साइड, ठीक है, नाम से बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है दो कार्बन है तो एक कार्बन तो एथ मिथ कहते हैं, दो कार्बन हो तो एथ कहते हैं, तो एथिल आयोडाइड कहेंगे, एथिल, देखिए मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि इम्पॉर्टेंट है तभी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है वो मैं नहीं लिखता हूँ। तो एथिल आयोडाइड, तो इसका मतलब क्या है कि आपको भी नीचे लिखना है। तो देखिए जब सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ हम क्रिया कराते हैं, जब इसको हम गर्म करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे क्या हमें मिलेगा। देखिए यहाँ से सोडियम निकलेगा, ठीक है, और इधर से आपका आई निकलेगा, ठीक है, तो एन ए आई ये बाहर निकल जाएंगे, ये क्या निकल गया, एन ए आई, ठीक है, सोडियम आयोडाइड ये बाहर निकल गए। उसके बाद आपका क्या बचा, C2H5O, और फिर से C2H5 मिला, तो ये हम लिख देंगे C2H5O, फिर से C2H5, ये हमें मिल गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यही तो आपका एथिल, मतलब डाई एथिल ईथर है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। तो ये आपका हो गया, मैंने आपको अच्छे से बता दिया एथिल एल्कोहल से बनाने की विधि हमने बताया, फिर से हमने एक और बता दिया कि एल्किल हाइलाइड से आप कैसे बना सकते हैं। आप चाहें तो इस रिएक्शन के ऊपर आप चाहें तो ये लिख लीजिएगा, क्या कहेंगे, सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। लिखने के बाद आप नीचे ये रिएक्शन लिख सकते हैं। तो ये हमने दो आपको बता दिया डाई एथिल ईथर की बनाने की विधि। अब मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है जिससे आपको आसानी से समझ में आए कि कैसे बनता है, ठीक है। प्रयोगशाला विधि देखिए 2017 से नहीं पूछा है, तो आज 6 साल से अब नहीं पूछ रहा है, तो उसको मैं बताना उचित नहीं समझता, ठीक है। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में अगर हम कहेंगे तो आप, मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है। बट लगता है मुझे कि जब पूछेगा ही नहीं तो फालतू का तैयार करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि समय कम है ना। और मैं देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि मैं उतना ही पढ़ूं जितने में मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं, ठीक है, फालतू का मैं टॉपिक ना पढ़ूं। तो देखिए समय कम है इसलिए मैं फालतू का तो कुछ भी नहीं होता है, बट समय कम है इसलिए मैं उस टॉपिक को कवर नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पूछता है, एक तो बनाने की विधि पूछा जाता है, उसके साथ साथ गुण भी पूछा जाता है और उपयोग भी। तो गुण भी हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है भौतिक गुण। अब देखिए थोड़ा सा जो अभी तक स्टूडेंट बने हुए हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आपको भौतिक गुण और उपयोग भी बिल्कुल याद कर लेना है। अब देखिए हमने आसान शब्दों में लिखा हुआ है जिससे आप समझ पाएँ। सबसे पहला हमने लिखा है कि जो यह रंगहीन ज्वलनशील वाष्पशील और विशिष्ट गंध वाला द्रव है। इसका मतलब क्या हुआ, यह मतलब क्या, डाई एथिल ईथर जो होता है वो रंगहीन होता है, मतलब उसका कोई भी रंग नहीं होता है, ज्वलनशील होता है, मतलब वो उसको जलाएंगे तो वो जल जाएगा, वाष्पशील होता है, उसको गर्म करेंगे तो जल्दी से वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, विशिष्ट गंध वाला मतलब उसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, क्या होता है, और वो क्या हो जाता है, डाई एथिल ईथर है वो एक द्रव है, मतलब जैसे पानी होता है ना उसी प्रकार है, ठीक है, ये आप समझ गए। उसके बाद कहा जा रहा है कि जल में कम घुलनशील और कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील होते हैं, मतलब यदि हम डाई एथिल ईथर को हम क्या करेंगे, जल में घोलेंगे तो उसमें ज़्यादा वो क्या होगा, मिक्स नहीं हो पाएगा, परंतु यदि कार्बनिक विलायक होंगे तो कार्बनिक विलायकों में वो तेजी से घुल जाएगा, अधिक घुलनशील होता है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर हमने फिर से कहा है कि यह जल से हल्का होता है, यह मतलब कौन, डाई एथिल ईथर जो होता है वो जल से हल्का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका घनत्व जो क्या होता है, डाई एथिल ईथर का जो घनत्व होता है वो जल से कम होता है, इसीलिए तो ये हल्का है, ठीक है, समझ गए होंगे।
ठीक है। अगला आता है जो चौथा है कि इसे सूंघने सूंघने पर क्या होता है, बेहोशी आता है। मतलब यदि हम सूंघेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, बेहोशी आएगा, ठीक है, मूर्छित होने लगेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आप सूंघेंगे तो तुरंत ही बेहोश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको अगर सूंघते हैं, बार बार सूंघते हैं, तो थोड़ा सा आपको क्या आ जाएगा, चक्कर की तरह आएगा, आप बेहोश हो सकते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म नहीं है कि सूंघते कहीं बेहोश हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। उसके बाद आप आते हैं उपयोग पे। उपयोग हमने लिखा है कि सबसे पहला उपयोग है कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, मतलब जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनके निर्माण में भी हम किसका, डाई एथिल ईथर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा, इसका प्रयोग किया जाता है, डाई एथिल ईथर का प्रयोग किस में किया जाता है, कार्बनिक विलायकों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, निश्चेतक मतलब बेहोशी के रूप में भी, बेहोश करने में भी, ठीक है। चौथा आता है कि प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। तो ये तो प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में ना, ये कोई भी में लिख सकते हैं, एल्कोहल जितना है, फिनॉल है, ईथर है, उन सभी में लिख सकते हैं कि प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जा, उपयोग किया जाता है, ठीक है। और पांचवा है कि सुगंधित पदार्थ और औषधि के निर्माण में। जैसे सुगंधित पदार्थ का मतलब है कि जितने भी आपके जो क्या होता है, इत्र होता है, जो परफ्यूम आता है ना, तो वो सभी परफ्यूम में भी, इसका बनाने में भी, परफ्यूम बनाने में भी डाई एथिल ईथर का प्रयोग किया जाता है, और इसका ही प्रयोग औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है। वही लिखा गया, औषधियों के निर्माण में, समझ गए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो डाई एथिल ईथर है उसका बनाने की विधि, गुण और उपयोग सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, एक और बात है कि जो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे थे कि सर आप भौतिक गुण बता दे रहे हैं, उपयोग बता दे रहे हैं, रासायनिक गुण नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो रासायनिक गुण नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा, तो मैं यही आपको बता दूं कि देखिए, यदि आप रासायनिक गुण नहीं लिखते हैं तो भी आपका ऐसा नहीं है कि आपका नंबर कट जाएगा। अगर जितना मैंने इतना बताया है, यदि आप इतना लिख देते हैं, मैं आपको विश्वास से कहूँगा कि 5 नंबर में 5 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। अदरवाइज बताने ना बताने का कारण ये है कि यदि आपको इतने नंबर, इतना लिखने से 5 नंबर मिल जा रहा है, तो उसको तैयार करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अब वो तो बात अलग है कि तैयार कराना जो क्या होता है, रासायनिक गुण की जहाँ तक बात है, मैं तो करा देता, परंतु मैं इसलिए भी नहीं कराता हूँ क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे। आप तो भले ही तैयार कर सकते हैं, परंतु बहुत से ऐसे कमजोर स्टूडेंट हैं जिनको जब रिएक्शन नहीं समझ में आता है उनको, जैसे ये रिएक्शन कब हो रहा है, तो वो रिएक्शन ज़्यादा, अगर रिएक्शन भी हम लिखेंगे ना तो डर जाएंगे, और डर जाएंगे तो वो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं कम ही रिएक्शन बताता हूँ, जितने में वो समझ पाए, ठीक है, और इजी वे में मैं करके बताता हूँ। अब जो रासायनिक गुण है ना, उसमें टोटल का टोटल रिएक्शन ही है, तो मैं उतना ही रिएक्शन अभी तैयार करा रहा हूँ जितना कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक टू हाई मेरे पास समय नहीं है कि उतना मैं बेसिक टू हाई आपको पढ़ा सकूँ। जितना हो सकता है वो मैं कराता हूँ, बोर्ड एग्जाम के अच्छे से जितना मैं करा रहा हूँ उतना यदि आप तैयार करते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और यदि आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और अंग्रेजी सभी का लिंक हमने दे दिया है प्लेलिस्ट का, उस पर आप क्लिक कीजिए और वहाँ से अपनी बेसिक टू हाई जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी केवल आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।